मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड इंडियन कॉलेजेस फॉर रिसर्च जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बैंगलोर। तो अगर 11वीं 12वीं के अंदर कड़ी मेहनत करने के बाद आप सर्वाइव कर गए हैं फाइनली, तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एंड अभी तक का सबसे एडवेंचरस सफर शुरू होने वाला है, जो होने वाली है आपकी कॉलेज लाइफ। अब मेरी कॉलेज लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे एक्साइटिंग पीरियड होता है वो लाइफ का, क्योंकि आप पहली बार अपने बड़े से कैंपस के अंदर जा रहे होते हो, आप हॉस्टल की लाइफ जो है उसको एंजॉय कर रहे होते हो, नए नए लोगों से मिल रहे होते हो। एंड आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अगर अपनी स्टेट के कॉलेज में जाएंगे तो दूसरे स्टेट के काफी सारे लोगों से मिलेंगे, नहीं तो आप खुद दूसरे किसी स्टेट में शिफ्ट हो रहे होंगे और हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसी ही चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम रिव्यू करेंगे IISc बैंगलोर को, उसका कट ऑफ क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, अंडर ग्रेजुएट में डिग्रीज कौन कौन सी है, इसके साथ साथ हॉस्टल लाइफ कैसी है, हॉस्टल के अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, फेस्ट कौन कौन से है, इन सारी चीजों के बारे में प्लेसमेंट्स डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आज के रिव्यू के अंदर जितनी भी स्लाइड्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितनी भी लिंक्स हमें देखने को मिल रहे होंगे, इन सब को हम अपना कॉलेज की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस लिंक पर क्लिक करके हम अपना कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं एंड ये सारी की सारी PPTs विद देयर लिंक्स हम डाउनलोड कर सकते हैं एंड इनको हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने कॉलेज रिव्यू की। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और IISc का एक ही अकेला कैंपस है पूरे इंडिया के अंदर, विच इज इन बैंगलोर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि IISc बैंगलोर वेल नोन किन किन चीजों के लिए। सबसे पहला तो इसकी NIRF रैंकिंग इंडिया के अंदर नंबर वन है रिसर्च के अंदर, एंड ओवरऑल सारे के सारे कॉलेजेस के अंदर देखें तो इसकी NIRF रैंकिंग नंबर टू है। तो इंडिया के अंदर अगर आप साइंस के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं तो इससे बेटर इंस्टीट्यूट शायद ही कोई होगा, क्योंकि इनकी रिसर्च फैसिलिटी, इनकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। सेकंड रीजन IISc बैंगलोर के फेमस होने का है यहां की प्लेसमेंट्स। सिर्फ रिसर्च ही नहीं, यहां पर जो स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं उनके भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट्स आपको मिलती हैं जो कि एट पार होती हैं विद आपकी टॉप इंडियन IITs। एंड तीसरा मेजर रीजन है कि यहां पर जो एल्यूमिनाई आपको मिलेंगे, जो एल्यूमिनाई नेटवर्क आपको मिलेगा वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि यहां से इतने लोग निकले हैं जिनको भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, जो IITs, NITs एंड और भी बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस के डायरेक्टर्स रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं, एंड इसके साथ साथ कई सारी कमिटीज को हेड करते हैं, DRDO एंड ISRO जैसे गवर्नमेंट के जो बेस्ट रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके डायरेक्टरशिप तक जा चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर आपको दिखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कैंपस की। तो क्योंकि कैंपस बैंगलोर के अंदर एक मेट्रो सिटी है, तो कैंपस से बाहर निकलकर बहुत सारी जगह होंगी जहां आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। कैंपस के साइज की अगर बात करें तो वो 371 acres है, जो काफी बड़ा कैंपस होता है। काफी हरियाली आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी एंड काफी मजेदार कैंपस होने वाला है। इनफैक्ट जब एज अ स्कूल स्टूडेंट हम निकल रहे होते हैं ना, तो स्कूल्स के साइजेस यूजुअली छोटे होते हैं, पर जैसे ही हम कॉलेज के अंदर जाते हैं तो 100 acres, 200 acres, 300 acres के जब हम कैंपसेस देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पे, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके साथ एक हिस्ट्री एसोसिएटेड होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत सफर होता है। इनफैक्ट एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अपने कॉलेज की जर्नी याद करूं तो हरियाणा के गांव से निकलकर जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली के किसी, पहला ही कॉलेज होगा जो मैंने विजिट किया था जो मेरा कॉलेज था NSIT, एंड जब मैंने कैंपस को देखा था तो इतना खूबसूरत लगा था मुझे, इतना बड़ा लगा था कि मैं खो गई थी। वही सेम चीज शायद आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट्स फेस करेंगे अगर आप IISc के अंदर जाएंगे। तो ये जो कॉलेज है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1909 के अंदर बाय मिस्टर J.N. टाटा। तो उस टाइम पर यानी जो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे, मिस्टर टाटा काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि साइंस को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट करके, उस टाइम पर गवर्नमेंट नहीं थी तो मैसूर के जो रॉयल्स थे उनके साथ मिलकर के इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई थी, एंड अब ये कंप्लीटली गवर्नमेंट लेड इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि यहां पर कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करें तो यहां पर पहला सबसे फेमस जो प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट के लिए वो है बैचलर ऑफ साइंस जो रिसर्च में है, यानी BSc। अब यूजुअली BSc नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर आपकी 3 साल की डिग्री होती है, बट यहां पर आपकी BSc 4 साल की डिग्री होने वाली है। एंड दूसरा जो वेल नोन UG प्रोग्राम है वो है आपका BTech। आप BTech कर रहे होंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर। अब बैचलर ऑफ साइंस एंड रिसर्च के बारे में आपको और अगर डिटेल्स जाननी है तो आगे हम डिस्कस तो कर ही रहे होंगे मैक्सिमम चीजें, बाकी आप इस लिंक को जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड BTech के प्रोग्राम के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अगर आपको और डिटेल्स जाननी है तो आप इस लिंक को जाकर विजिट
विजिट कर सकते हैं। अब बीटेक भी आपका 4 साल का प्रोग्राम होगा एंड अगर आप बीएससी यहाँ से कर रहे हैं और आप साथ के साथ एमएससी भी करना चाहते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ईयर और मिलेगा अपनी दोनों यानी ड्यूअल डिग्री करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, ये सारे रिसर्च प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं एंड उसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि बीएससी रिसर्च के अंदर किन किन एरियाज के अंदर आप रिसर्च कर सकते हैं। अब बीटेक की यूजुअली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बट यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, बट बीएससी के अंदर आपको काफी सारे एरियाज मिल जाएंगे रिसर्च करने के लिए। जैसे आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप बायोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस, मटेरियल्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड इस साल के लिए जो आपका बीएससी रिसर्च का कोर्स है उसके अंदर टोटल सीट्स होने वाली हैं 111, यानी टोटल 111 स्टूडेंट्स को 2023-24 के बैच के लिए एडमिट करेगा आईआईएससी बैंगलोर एंड उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा सीट्स के लिए रिजर्वेशन है सिर्फ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर जो पढ़ाई होती है क्योंकि बैंगलोर का कॉलेज है एंड ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तो यहाँ पर जो मीडियम होता है पढ़ाई करने का यानी आपके जो लेक्चर्स होते हैं सारी चीजें होती हैं वो होती हैं इंग्लिश के अंदर, तो एक स्पेसिफिक चीज है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी बीटेक की। अब बीटेक का प्रोग्राम आपको यहाँ पर करना है तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी 12th क्लास क्वालिफाई करनी पड़ेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, यानी पीसीएम आपके पास होना ही चाहिए, साथ में एक लैंग्वेज होनी चाहिए एंड 5वां सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। अब बीटेक के लिए जो सिलेक्शन होता है आईएससी के अंदर वो आपका जेईई एडवांस्ड के मार्क्स के बेसिस पर होता है, तो आपकी पूरी मेरिट लिस्ट निकलती है, कट ऑफ निकलता है एंड जो जो स्टूडेंट्स कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं जेईई एडवांस्ड के मार्क्स के बेसिस पर उनका यहां पर एडमिशन हो जाता है। और ये जो क्वालिफिकेशंस आपको दिखाए गए हैं ये 2022 के दिखाए गए हैं क्योंकि अभी तक इस साल के लिए बीटेक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आई नहीं है बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है हर साल। 2022 के लिए जो बीटेक के अंदर सीट्स थी वो थी टोटल 52 सीट्स जिसमें से 40 आपकी जनरल सीट्स थी, 8 सीट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी एंड 4 सीट्स हमारी फॉरेन नेशनल्स के लिए थी। यूजुअली जो एडमिशन के लिए पोर्टल खुलता है बीटेक के लिए वो 1 जून के अराउंड खुलता है तो आप मई एंड या जून के शुरुआत से आईएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बीटेक प्रोग्राम के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चाहिए तो उसके लिए हम इस लिंक को जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएससी रिसर्च प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी की। अब पहला क्राइटेरिया तो यही है कि 12th क्लास आपको पास करनी पड़ेगी। दूसरा क्राइटेरिया ये कि 12th आपने पास तो कर ली पर पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपने पास की होनी चाहिए एंड तीसरा क्राइटेरिया ये कि मिनिमम आपके 60% मार्क्स आने चाहिए। बट क्वालिफाई करने के साथ साथ हमें एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है यहाँ पर एडमिशन के लिए, तो आपके पास 5 ऑप्शन है जिसके थ्रू आप बीएससी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। पहला है कि आपने केवीपीवाई नाम के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हो, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। तो केवीपीवाई के बारे में आई होप हम सब ने सुना हुआ है, काफी अच्छे लेवल का गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को हर साल। दूसरा है हमारा जेईई मेंस, तीसरा है हमारा जेईई एडवांस, चौथा है हमारा नीट यूजी एंड 5वां है हमारा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। इस साल से एक और नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है एडमिशन के लिए विच इज आइजर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके बेसिस पर भी इस साल आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 25 अप्रैल की अनाउंसमेंट है आईएससी के मेन पोर्टल के ऊपर एंड अगर हमें बीएससी रिसर्च में एडमिशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इस लिंक को जाकर विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए लिंक खुल जाएगा एंड यहाँ पर जाकर हम डिफरेंट डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मुझे बीएससी के लिए अप्लाई करना है तो मैं क्लिक कर सकती हूँ अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही इस तरीके का कुछ पोर्टल मेरे लिए खुल जाएगा एंड इसकी जो एप्लीकेशन है मतलब इस साल के लिए बीएससी रिसर्च प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट डेट जो हमारे पास है अप्लाई करने के लिए वो है 31st मई। तो याद से अगर आप पहले देख रहे हैं तो प्लीज जाकर डेट के हिसाब से अप्लाई कर देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पिछले साल की क्या कट ऑफ गई थी बीएससी रिसर्च की। अगर बात करें तो इसके लिए जो कट ऑफ गई थी वो मैं आपको 3rd राउंड की यहाँ पर कट ऑफ दिखा रही हूँ। लास्ट ईयर के लिए 3 राउंड ऑफ कट ऑफ गए थे, पहले 1st राउंड की आई थी, 2nd राउंड 3rd राउंड। तो केवीपीवाई के लिए जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ थी वो थी 241 से लेकर 353। जेईई मेंस की अगर बात करें तो उसके लिए जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 241 से लेकर 353। ये आपको सारी की सारी ऑल इंडिया रैंक दिखाई गई है, कैटेगरी वाइज रैंक ये नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे तो 12001 से लेकर 17555 एंड इस तरीके से आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपनी रैंक को चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आपको जेईई एडवांस की दिख जाएगी यहाँ पर जनरल के लिए 241 से 353 एंड नीट यूजी में भी 241 से लेकर 353। तो ये थी आपकी राउंड 3 की कट ऑफ एंड इसके साथ साथ अगर आप दूसरे राउंड की यानी 1st राउंड 2nd राउंड इस तरीके से कट ऑफ देखना चाहते हैं, कैटेगरीज देखना चाहते हैं तो हम इस लिंक को जाकर विजिट कर सकते हैं। इस लिंक पर जैसे ही हम चले जाएंगे तो पिछले साल की जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो सारी हमें दिखेंगी। ये मुझे राउंड 3 की कट ऑफ दिख रही है, इसके साथ साथ नीचे स्क्रोल करके हम राउंड 2 की कट ऑफ देख सकते हैं एंड स्क्रोल करके और नीचे जाएंगे तो ये मेरी राउंड 1 की मुझे कट ऑफ दिख जाएंगी केवीपीवाई की। अब
यहाँ तक लास्ट ईयर की कट ऑफ देखकर हमें आइडिया लग गया है कि IISc इंस्टीट्यूट जितना अच्छा है और यहाँ के जो एल्यूमिनाई इतने स्ट्रॉन्ग है, प्लेसमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है, रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका मेन रीजन यही है कि यहाँ पर आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंपिटेटिव एग्जाम्स के अंदर और दूसरे एग्जाम्स के अंदर इतना बढ़िया स्कोर कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ रहे होंगे अगर आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर आकर पढ़ाई करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बीटेक की लास्ट ईयर की कट ऑफ की। तो लास्ट ईयर दो राउंड गए थे कट ऑफ के अंदर, राउंड टू की जो फाइनल कट ऑफ गई थी जेई एडवांस की, वो जनरल कैटेगरी के लिए थे 411 रैंक से लेकर 718। अगर आप जनरल फीमेल कैटेगरी में थे तो 1066 से लेकर 1248। EWS के अंदर थे यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर तो 2323 से लेकर 3400। OBC के अंदर थे तो आपकी ये रैंक थी। SC के अंदर कट ऑफ के लिए ये गया था। एंड इसके अलावा अगर आपको राउंड वन की चाहिए और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो हम इस लिंक को जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ के वन ऑफ द मेजर प्रोज के बारे में जो है यहाँ की प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो जैसी प्लेसमेंट्स आपकी टॉप IITs के अंदर, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT मद्रास हो गया, इस तरीके के IITs के अंदर होती है, वैसे ही अच्छे अच्छे प्लेसमेंट स्टार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पिछले सेशन के लिए जो हाईएस्ट CTC गया था वो था 85 लाख पर एनम एंड जो मीडियम CTC गया था वो था 28 लाख पर एनम। अब ये CTC क्या होता है? CTC का मतलब होता है आपका कॉस्ट टू कंपनी, यानी ये टोटल आपका जो पैकेज है वो आपको कंपनी दे रही होती है। अब कभी कभार इसमें से जो 50-60% अमाउंट है वो आपको अपफ्रंट कैश दे दिया जाता है, मतलब हर महीने जो आपकी सैलरी आएगी वो उसमें से आएगी। एंड उसके अलावा कुछ स्टॉक्स आपको कंपनी दे देती है जो आपको 3-4 साल के अंदर मिल रहे होते हैं। तो जिन भी कंपनीज के आप लाखों में या करोड़ों में जो अच्छे अच्छे पैकेजेस सुनते हैं वो सारे CTC की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर 85 लाख पर एनम इतने का CTC। अब जो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती है उसमें सारी मेजर कंपनीज हैं इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गोल्डमैन सैक्स, सैमसंग एंड इसके अलावा भी बहुत सारी। इंटर्नशिप्स की बात करें तो इंटर्नशिप्स के स्टैट्स भी इनके बहुत ही अच्छे हैं। लास्ट सेशन के लिए जो हाईएस्ट स्टाइपेंड गया था, स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड सैलरी होती है, बस इंटर्न्स के सैलरी को स्टाइपेंड कह देते हैं। जो स्टाइपेंड गया था वो था 1.1 लाख पर मंथ और एवरेज जो स्टाइपेंड गया था पिछले बैच के लिए वो था 72,000 पर मंथ। तो 72,000 पर मंथ जो इंडिया का एवरेज, अगर मैं आपको बताऊं बीटेक के अंदर जो एवरेज पैकेज लगता है बच्चों का, दैट इज अराउंड 5.5 लाख पर एनम। एंड उसको हम कैलकुलेट करें तो 50,000 से भी कम अमाउंट होती है, जबकि यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जो एवरेज गया है दैट इज 72,000 पर मंथ। तो बहुत ही अच्छे इंटर्नशिप स्टाइपेंड्स लग रहे हैं स्टूडेंट्स के। एंड यहाँ के इंटर्नशिप या प्लेसमेंट स्टार्ट से रिलेटेड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम इस लिंक को जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के फी स्ट्रक्चर की। बीटेक के लिए जो फी स्ट्रक्चर है, अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपके पहले साल की जो फीस होने वाली है वो होने वाली है 3,200 रुपीज एंड अगले सालों के लिए यानी सेकंड से फोर्थ ईयर आपकी जो फीस होगी वो होगी 2,65,200 के इक्वल। यहीं पर अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो होगी 1,200 एंड अगले जो सारे इयर्स हैं तो पर ईयर की आपकी फीस होने वाली है 65,200 के इक्वल। अब ये जो फीस है बीटेक की, इसके अंदर आपके हॉस्टल एंड मेस चार्जेस इंक्लूडेड है। आपको हॉस्टल एंड मेस के लिए इसके ऊपर से अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बीटेक की फीस के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इसमें ट्यूशन फीस कितनी है, इसमें हॉस्टल की फीस कितनी है, इसमें मेस की फीस कितनी है, तो आप इस लिंक को जाकर विजिट सकते हैं। अगर BSc की फीस की बात करें तो BSc में अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो फीस होने वाली है दैट विल बी 30,200 एंड अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होने वाली है 20,200। इसका भी अगर आपको डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए कि कितनी फीस किस चीज के लिए है तो उसके लिए आप इस लिंक को जाकर विजिट कर सकते हैं। अब ये जो BSc की फीस बताई गई है इसमें आपके हॉस्टल और मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, जबकि बीटेक की फीस के अंदर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप्स की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस हाई है तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, कॉलेज वाले भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और वो ऑब्वियसली कॉलेज में जाकर भी मेहनत करने वाले हैं, तो काफी सारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होंगी। यहाँ पर आप जिस भी एग्जामिनेशन के बेसिस पर आए हैं उसके मार्क्स के बेसिस पर, यानी जब आपने अगर KVPY क्वालिफाई किया, IIT JEE में अच्छी रैंक है, AIPMT जो कि अब आपका नीट का एग्जाम हो गया है एंड उसके साथ साथ और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन उनके बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है एंड और भी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिसके लिए हम इस लिंक को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं IISc एल्यूमिनाइज के बारे में। यानी इस कॉलेज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर्स जो मैंने आपको बताया था जो था इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क, यानी यहां से पहले कौन कौन से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर गए हैं। तो अगर बात करें तो नेशनल लेवल पर शायद इतना इंप्रेसिव एल्यूमिनाई नेटवर्क शायद ही किसी और कॉलेज का होगा इंडिया के अंदर। यहां पर भारत रत्न मिलने वाले 2 एल्यूमिनाई हैं इस कॉलेज के, पद्मश्री अवार्ड पाने वाले 36 लोग हैं जो यहां से ग्रेजुएट हुए हैं, इंफोसिस प्राइज 7 लोगों को मिला है एंड और भी नेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छे
अच्छे अवार्ड्स और फेलोशिप्स मल्टीपल लोगों को मिले हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। एंड ये छोटी सी लिस्ट हमने बनाई है जिसमें बहुत ही कम एल्यूमिनाई मैंने दिखाए हैं, क्योंकि जब मैंने इस कॉलेज के एल्यूमिनाई लिस्ट देखी मैं खुद कंफ्यूज थी कि इसमें से किसको इंक्लूड करूं किसको ना करूं, क्योंकि सारे के सारे लोग इतने अच्छे अच्छे लेवल पर पहुंचे हुए हैं। कोई IITs का डायरेक्टर है, कोई NITs का डायरेक्टर है, कोई DRDO के चेयरपर्सन रह चुके हैं, कोई ISRO के डायरेक्टर रह चुके हैं, पता नहीं कितनी कितनी लोगों ने रिसर्च कर रखी है, कितनी अच्छी अच्छी पोजिशन पर गवर्नमेंट के अंदर तक पहुँच चुके हैं। तो कुछ कुछ लोगों के नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं, बट ये बहुत कम है। ऐसे और बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे जो IISc से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यहाँ के हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल सबसे चिल टाइम होता है कॉलेज के अंदर, एंड इनफैक्ट एक डे स्कॉलर से तो हमेशा आप जिसका भी रिव्यू पूछेंगे एक हॉस्टलर की जो लाइफ होती है वो ज़्यादा हैपनिंग होती है, क्योंकि एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेना सीखते हैं हॉस्टल के अंदर अकेले रहते हैं तो, एंड दूसरा आपको अपने दोस्तों के साथ रहने को मिलता है, आप उनके साथ हैंग आउट ज़्यादा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डे स्कॉलर, क्योंकि डे स्कॉलर को तो एंड ऑफ द डे पे वापस घर जाना पड़ेगा और आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। मैं अपने टाइम का बताऊँ तो मेरा जो घर था वो हरियाणा के अंदर था, एंड वहाँ से DTU दिल्ली के अंदर है, DTU वो बहुत पास था, पर फिर भी आई टुक एडमिशन इन NSUT क्योंकि DTU घर के बहुत पास था तो और मुझे हॉस्टल चाहिए था, तो मैंने NSIT के अंदर एडमिशन लिया था। वो एक रीज़न था और भी काफ़ी सारे रीज़न थे, एंड वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था हॉस्टल लेना, क्योंकि काफ़ी इन्जॉय किया उस रीज़न की वजह से। अब यहाँ के जो हॉस्टल हैं उनके पास 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप हॉस्टल लेना चाहते हैं और आपको नहीं मिल रहा होगा। इसके साथ साथ मल्टीपल हॉस्टल्स के लिए आपके पास 4 डाइनिंग हॉल्स होंगे। अब इन डाइनिंग हॉल्स के अंदर कुछ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है, कुछ हैं के अंदर आपको वेज नॉन वेज दोनों तरीके का खाना मिल जाएगा, तो हर तरीके के स्टूडेंट के लिए काफी अच्छा जो फैसिलिटी है खाने की वो अवेलेबल होगी। एंड ये एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है IISc की ऑफिशियल वेबसाइट पर से, जिसमें हॉस्टल के बारे में उन्होंने और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको शेयर कर रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की कैंपस फैसिलिटीज की। तो हर कैंपस के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज होती है, यहाँ पर भी है, जैसे आपको कैंटीन मिल जाएंगे, आपको इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड टैक्सी सर्विस भी मिल जाएगी, अगर आपको मान लो अपने कॉलेज से कहीं और जाना है या फिर आपको एयरपोर्ट तक जाना है या किसी और तक जाने, ट्रैवल एजेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस मिल जाएगी, बुक शॉप्स आपको मिल जाएंगी कैंपस के अंदर ही, तो बुक शॉप्स काफी काम आती हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पर ही यूजुअली लोग भागा दौड़ी कर रहे होते हैं बुक्स खरीदने के लिए, एंड मोस्टली जो कॉलेज के अंदर बुक्स खरीदी जाती हैं वो सेकंड हैंड बुक्स ही होती हैं, फर्स्ट हैंड बुक्स शायद सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के या सेकंड सेमेस्टर के बच्चे ही लेते हैं, उसके बाद से हर जो आपके सीनियर्स होंगे वो सेकंड हैंड बुक्स मोस्टली लोग रख रहे होते हैं। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं, आप PhD वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स के लिए कर रहे हैं, तो बेबी केयर सेंटर, बैंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, एमिनिटीज हॉल मिल जाएंगे, एंड कैंपस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप इस लिंक को जाकर खोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, जिसमें आपके पास जिम खाना क्लब है, तो जिम खाना जिसकी मेंबरशिप के लिए सालों का वेटिंग पीरियड होता है उसको आपको एक्सप्लोर करने का, उसकी फैसिलिटीज का मजा लेने का यहाँ पर मौका मिलेगा। एंड वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स खेलते थे, जिनका स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, पर 11th-12th में JEE की तैयारी, नीट की तैयारी या किसी और एग्जाम की तैयारी की वजह से स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए, उनको पूरा मौका मिलता है कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने का, एंड उस मौके का आपको बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। यहाँ का जो जिम खाना है उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बहुत सारे गेम्स आप खेल सकते हैं, एंड साथ के साथ जिम खाना अपने खुद फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है, यानी स्पोर्ट्स के आपके फेस्ट होते हैं जिसके अंदर जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स मीट टाइप उसको हम समझ सकते हैं, एंड उसके लिए आप प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ के कॉलेज फेस्ट की। कॉलेज फेस्ट, अब कॉलेज का ऐसा टाइम होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं, 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कॉलेज के अंदर क्लासेस ही नहीं होती हैं, सिर्फ आपका फेस्ट चल रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कॉलेज के अंदर सिंगर्स आ रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, कभी कभार तो कॉलेज के अंदर एक्टर्स भी आ रहे होते हैं, एंड दूसरे कॉलेज के लोग आते हैं, सोसाइटी वाले लोग जो आकर आपके कॉलेज के साथ अंदर कंपीट करते हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर, तो बहुत ही फन टाइम होता है कॉलेज वाला टाइम। एंड जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं तो कॉलेज के अंदर जब पहुंचते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि एक ड्रीम लाइफ अब शुरू हो रही होगी। अब वो यूजुअली कॉलेज के अंदर देखने को नहीं मिलती, बट वो ड्रीम लाइफ हमें कब मिलती है, हमें वो 3 से 4 दिन ये जो हमारे कॉलेज फेस्ट वाले होते हैं उनके अंदर वो देखने को मिलती है, जिसमें सिर्फ मस्ती होती है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही होती। अब यहाँ का जो कॉलेज फेस्ट है इसका नाम है प्रवेगा, और ये आपका साइटेक कल्चरल फेस्ट है, यानी इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको इवेंट्स दिखेंगे, एंड उसके साथ साथ आपको कल्चरल इवेंट्स भी दिखेंगे। एंड सोसाइटीज एंड क्लब्स की बात करें तो काफी सारी सोसाइटीज भी आपको यहाँ मिलेंगी। फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर आपकी जो सोसाइटीज के जो एंट्रेंस टेस्ट उसको हम कह सकते हैं, इंटरव्यूज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसमें पार्टिसिपेट करना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म में सोसाइटी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, बट अगर मान लो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने हैं या आपको नेटवर्क करना है अपने सीनियर्स के साथ, या आप जानना चाहते हैं कि कॉलेज के अंदर चलो मुझे
मुझे डांस नहीं आता पर मैं डांस थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके की सोसाइटीज़ की तरफ ज़रूर जाइए। अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो प्लीज़ जाइए। थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर यूजुअली लोग कम एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि प्लेसमेंट का इंटर्नशिप का टाइम आ जाता है, बट फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर अगर आपके पास टाइम है तो एक से दो अच्छी सोसाइटीज़ को आप ज्वाइन करना प्रेफर कर सकते हैं, उसको आप फन टाइम के लिए, फन एक्टिविटीज़ के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आपको मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग योर फोटोग्राफी क्लब या फिर एस्ट्रोनॉमी क्लब एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। एंड लास्ट में हम बात करने वाले हैं राइवल कॉलेजेस की, यानी IISc और दूसरे कौन से ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। पहला कंपटीशन इसका है IITs के साथ, IITs में भी जो आपके टॉप IITs होते हैं, टॉप 5, टॉप 7 IITs। एंड दूसरा जो इसका राइवल कॉलेज है वो है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये भी एक राइवल कॉलेज बन जाता है क्योंकि यहाँ की भी रिसर्च फैसिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है नेशनल लेवल पर। अब आपको अगर एक और एडिशनल वीडियो चाहिए जिसमें हम कंपेयर करें कि आपको IISc में जाना चाहिए, IITs के अंदर जाना चाहिए, या फिर इफ़ यू वॉन्ट अ कंपेरिजन वीडियो ऑफ IISc वर्सेज IISER, तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं एंड हम आपके लिए एक एक्सटेंसिव वीडियो ले आएंगे दोनों कॉलेजेस को कंपेयर करते हुए एंड आपको किसके अंदर एडमिशन लेना चाहिए। तो आई होप कि IISc का ये जो कॉलेज रिव्यू था ये आपको अच्छा लगा हो। इसके अलावा दोबारा मैं बता देती हूँ, इन स्लाइड से रिलेटेड, लिंक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा तो अपना कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर। एंड इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनके हमने रिव्यू डाल रखे हैं, उन रिव्यू की भी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जाकर यूट्यूब से आप पूरी की पूरी वीडियो जो है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आज का जो रिव्यू था ये आपको आपके एडमिशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा होगा। एंड इसके अलावा और कौन से कॉलेजेस के आपको रिव्यू चाहिए उसके बारे में आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।